सब्सक्राइब कीजिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कितनी अजीम सोच अता फरमाई, कितनी अजीम फिक्र अता फरमाई। हम सुबह करते हैं, सरकार ने सुबह के हवाले से सोच अता फरमाई कि आप सुबह करो तो सुबह आपकी सोच क्या होनी चाहिए, सुबह उठ के आपको क्या सोचना है, सुबह उठ करके आपको क्या गौर करना है, सुबह उठ करके आपको क्या फिक्र करनी है। अल्लाहु अकबर। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस शख्स ने सुबह इस हाल में की कि मेरी उम्मत के उमूर यानी उनके कामों के बारे में कुछ न सोचा, खुद के बारे में हुजूर नहीं फरमा रहे हैं, उमूर मुस्लिमीन के बारे में, कि मुसलमानों के कामों के बारे में सुबह उठ करके कुछ भी न सोचा, सरकार फरमाते फलैस मिन्ना, वो मेरा है ही नहीं। सुबह की पहली सोच, पहली फिक्र पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह अता फरमा रहे हैं कि सुबह उठ के पहले उमूर मुस्लिमीन के बारे में सोचो कि आज मेरी इजाज़त से मुसलमान को मैं क्या फ़ायदा पहुंचा सकता हूं, किस मुसलमान को मदद कर सकता हूं, किस मुसलमान के काम आ सकता हूं। खुदा की कसम, गुनाह कबीरा बहुत बड़े गुनाह हैं जिसकी माफ़ी बहुत मुश्किल होती है बग़ैर तौबा के, और अगर हुकूक़ुल इबाद हमने तल्फ किया है तो जब तक कि बंदा माफ़ न करे उस वक्त तक अल्लाह भी माफ़ नहीं करता। लेकिन क़ुरबान जाइए, ये उमूर मुस्लिमीन बता रहा हूँ, किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और अगर कोई शख्स उस मुसलमान मस्जिद को 40 कदम कांधा दे, अल्लाह ताला उसके 40 कबीरा गुनाहों को माफ फरमा देता है। अब जरा सोचो। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।